छतरपुर में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब जनसुनवाई में आया फरियादी केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश करने लगा। पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने समय रहते फरियादी पर पानी डाल दिया जिससे उसकी जान बच गई। ये वाकया उस वक्त हुआ जब फरियादी अपनी समस्याएं जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर के समक्ष रख रहे थे। इसी दौरान एक युवक अपना आवेदन लेकर आया लेकिन अचानक इसने केरोसिन डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने युवक पर समय रहते पानी डाला जिससे इसकी जान बच गई। युवक ने खुदकुशी करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि पारिवारिक विवाद में उसकी शिकायत पुलिस ने नहीं सुनी और उल्टा उस पर ही झूठा मामला दर्ज कर उसे जेल में डाल दिया। पुलिस की सरकस से परेशान होकर वह खुदकुशी करना चाहता है। वहीं इस मामले पर डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि युवक की जो भी शिकायत है उसे हल किया जाएगा और इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर केस दर्ज किया जाएगा। हाँ, एक तोमर सुरेन सिंह तोमर जी थे तो उनका कोई पारिवारिक विवाद था, बीच में पुलिस में उनके पास केस हुआ था और वो किसी मामले में जब पुलिस ने लगाया होगा उसमें जेल गए थे। उसके बाद निकल गया, उनका कहना यह था कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया हुआ है और हमें परेशान किया जा रहा है, पारिवारिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के डाला था। उसको हम सब लोगों ने सभी लोगों के सहयोग से उसको मना करके और उनके बारे में देखा जा रहा है कि उनकी समस्या क्या है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।